हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। वी आर हेयर अगेन विद द चैप्टर ऑफ नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्लास 8th उर्दू, चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में भी हम बहुत सारी शायरी की इकसाम के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। शायरी की तमाम इकसाम में हम्द, नात, मनकबत, कसीदा, गज़ल, रुबाई, मसनवी, ये सब हम मर्सिया, ये सब के बारे में हम डिस्कस तो आपसे थोड़ा कर चुके हैं, बट वन बाय वन हमारे चैप्टर में इसी तरीके से हम शायरी की इकसाम आती रहती हैं। सो दैट हम उनको एक्सप्लेन करने से पहले उनके बारे में आपको थोड़ा ज़रूर बताते हैं। जैसे कि हमने आपको हम्द के बारे में भी बताया था कि हम्द में हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, यानी कि हम्द ऐसी शायरी की किस्म है जिसमें जो कुछ भी हम लिखते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में ही लिखते हैं। इसी तरह से नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शायरी की ऐसी किस्म है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हम करते हैं और उनकी तमाम औसाफ हम बयान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी चैप्टर नंबर 3 नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें हमने आपको बता दिया कि नात जो है वो शायरी की कौन सी किस्म है या हम उसमें किसके बारे में बयान करते हैं। ठीक, तो हमारी ये जो नात है बहुत ही मशहूर और मारूफ नात है और ये इसके जो लिखने वाले हैं वो सरदार हुसैन ख़ां बहजाद लखनवी हैं। बहजाद इनका तखल्लुस है, पूरा नाम इनका सरदार हुसैन ख़ान हैं और ये लखनऊ के रहने वाले हैं, इसलिए इनको लखनवी कहा जाता है। इन्होंने ये नात बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में लिखी है और इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी तारीफ़ बयान की है बहुत ही अच्छे अल्फाज में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस सबक का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि तशरीह करने वाले हैं कि इस नात में जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उनका मानी क्या है और वो नात की लय में क्या कहना चाह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप लिखते हैं, बहजाद लखनवी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या मोहम्मद स्वाद बना हुआ है यहाँ पर, मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि स्वाद का मतलब ही यही होता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पढ़ना चाहिए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सारा जहां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका। ठीक है, तो यानी बहजाद लखनवी यहां पे कह रहे हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी दुनिया जो है, सारा जहान जो है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो किसका है, सिर्फ आपका है, ये ज़मीन आपकी, आसमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका है। ठीक है, यानी ये ज़मीन जो दुनिया ज़मीन है दुनिया की वो भी आपकी ही है और जो आसमान है वो भी आपका ही है। रहमते आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यानी रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा ना अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि तमाम आलम का, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा बल्कि तमाम आलम के लोग, जानवर, इंसान, चरिंद परिंद सब के लिए रहमत बना करके भेजा, यानी आपकी ज़ात। बहजाद लखनवी यहाँ पर लिखते हैं कि आपकी ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, यानी पूरे आलम के लिए रहमत है। ठीक है, सब पे लुत्फ व करम है अयां आपका, अयां का मतलब है कि ज़ाहिर है, और लुत्फ व करम यानी आपका करम और यहाँ पर सभी के ऊपर आया है, आया का मतलब है ज़ाहिर। ठीक है, और लुत्फ़ का मतलब होता है मेहरबानी। ठीक है, तो ऐ रहमतुल्लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात है और आपका जो करम है, जो मेहरबानी है, वो सभी के ऊपर ज़ाहिर है। ठीक है, आगे के अशार में बहजाद लखनवी लिखते हैं कि आपका जिक्र करती है हर दम ज़बाँ, यानी मेरी जो ज़बान है जो मुझे अल्लाह ताला ने दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही का जिक्र करती है। और अगली मिसरे में कह रहे हैं कल्ब, कल्ब माने होता है स्टूडेंट यहाँ पर दिल, कल्ब का मतलब क्या होता है, दिल, यानी बहजाद लखनवी लिखते हैं कि जो मेरा दिल है ना, वो मेरा कल्ब है, वो कल्ब करता है हरदम बयां आपका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जो दिल है वो हर दम यानी हर लम्हा आप ही का बयान करता है, यानी आप ही की तारीफ़ करता रहता है।
आसियों के लिए जो नदामत है क्या। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आसी वर्ड आया है, ये पहली बात तो आसी की जमा है आसियों, जमा का मतलब होता है प्लूरल, जो मैंने आपको पहले भी ग्रामर में बताया है और लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो आसी का मतलब होता है सिंगुलर और आसियों यहाँ पर प्लूरल है, यानी जमा है। आसी होता तो वाहिद होता, अब आसियों बहुत सारे आसियों। अब आसी का मतलब क्या होता है, तो आसी का मतलब होता है गुनाहगार शख्स, ठीक है। अब आसियों है तो बहुत सारे गुनाहगार शख्स, तो यहाँ पे बेजार लखनवी कहते हैं कि आसियों के लिए जज नदामत है क्या, यानी ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गुनाहगार शख्स हैं उनके लिए शर्मिंदगी के अलावा क्या है। नदामत का मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है, शर्मिंदगी के अलावा क्या है ये पूछ रहे हैं। आसरा है शफीए जमा आपका, यानी ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गुनाहगार हैं वो इतने गुनाह कर चुके हैं कि वो सिर्फ निदामत ही कर सकते हैं उन पर, यानी सिर्फ उन पर शर्मिंदगी ही कर सकते हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, आसरा है शफीए जमा आपका। शफी मतलब शफात करने वाला और जमा मतलब पूरे ज़माने की, ठीक है। तो सारे ज़माने की शफात करने वाले कौन हैं, यानी बख्शवा, शफा का मतलब शफात का मतलब होता है यहाँ पर बख्शवाने वाले, यानी पूरी दुनिया को बख्शवाने वाले कौन हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका हैं, जो क़यामत के दिन हम सब के गुनाहों को बख्शवाएंगे अल्लाह ताला से, ठीक है। तो जो आसी हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको निदामत हो रही है अपने गुनाहों पे, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कुछ है भी नहीं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ है, वो क्या है, आसरा। किसका आसरा, शफीए जमा आपका, यानी आप ज़माने की शफात करने वाले हैं, आप ही का सहारा किसको है, आसियों को है, गुनाहगारों को है। और लास्ट लाइन, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो लास्ट लाइन होती है उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जो बहजाद लखनवी ने भी अपना तखल्लुस इन इन इस अशार में जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अब क्या कहते हैं, उसको रहती है हरदम मदीने की धुन। अब मदीना, मदीना एक क्या है, जगह है अरब में, जो जहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, ठीक है। आप वहाँ पर हैं, ठीक, और आप ज़िंदा हैं। उनकी, उसको रहती है हरदम मदीने की धुन, यानी किसको, अब यहाँ पर बहजाद लखनवी अपने लिए बोल रहे हैं कि उसको रहती है हरदम मदीने की धुन। हरदम मतलब हर घड़ी, हर वक्त कहाँ की धुन लगी रहती है, मदीने की, कि मदीने चला जाऊँ किसी तरह से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपका रोज़ा है। जो बहजाद है नात ख्वां आपका, अब नात ख्वां कौन होता है, नात लिखने वाला, नात ख्वां बोले तो नात लिखने वाला। अब नात यहाँ पर किसने लिखी है, बहजाद लखनवी ने लिखी है, इसलिए यहाँ पर बहजाद कौन है, नात ख्वां है। और वो अपने आप को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो बहजाद है नात ख्वां आपका, यानी आपका जो नात ख्वां है जिसका नाम बहजाद है, यानी मैं खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको क्या रहती है, हर वक्त मदीने की धुन रहती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी नात थी, और इस छोटी ही सी नात में ही आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तारीफ अपने अल्फाज में की है, और आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आप थे ही तारीफ़ के लायक। और हमने एक चैप्टर और कवर किया है जो सिर्फ हयात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही है, उसमें हमने आपके तमाम औसाफ बयान किए हैं। और इस नात में भी सरदार हुसैन खां बहजाद लखनवी ने आपकी तारीफ़ में एक छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि आपकी तारीफ़ में जो कुछ भी लिखा जाए वो कम है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये नात का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा, और एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और अब हम इसके बाद आपको पीडीएफ के थ्रू इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। आप चैप्टर की रीडिंग खुद से भी करते रहें, और जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं उनको भी लर्न करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।